भारत समेत पूरी दुनिया में गाड़ियों का इस्तेमाल किया जाता है, जिन्हें चलाने के लिए पेट्रोल या डीजल की जरूरत होती है। वहीं खाना पकाने के लिए एलपीजी गैस का इस्तेमाल किया जाता है, जो पेट्रोलियम तत्वों से बनाई जाती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाले पेट्रोलियम को पेट्रोल और डीजल समेत विभिन्न लिक्विड्स में कैसे तब्दील किया जाता है? अगर नहीं तो आज के इस रोमांचक वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर पेट्रोल कैसे बनाया जाता है और वर्तमान में इसकी कीमत दिन ब दिन क्यों बढ़ती जा रही है। कैसे बनाया जाता है पेट्रोल? पिछले 20 साल में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी गैस के दाम आसमान छू रहे हैं, जिसकी वजह से आम आदमी का घर चला पाना मुश्किल हो गया है। वहीं दूसरी तरफ सड़कों पर कार, बाइक, बस और ट्रक जैसे वाहनों की संख्या तेजी से बढ़ती जा रही है, जिसका सीधा असर पेट्रोल और डीजल की खपत पर पड़ता है। ऐसे में 7 बिलियन से ज्यादा आबादी की पेट्रोल और डीजल की खपत को पूरा करने के लिए जमीनों की खुदाई की जाती है, जबकि समुद्र से प्राकृतिक संसाधनों को बड़े पैमाने पर बाहर निकाला जाता है। विशेषज्ञों की माने तो वर्तमान में धरती के अंदर 1.3 ट्रिलियन बैरल पेट्रोलियम बचा है, जो आने वाले 40 साल के अंदर खत्म हो जाएगा। यही वजह है कि विभिन्न कार और बाइक कंपनियां अब पेट्रोल और डीजल के अलावा इलेक्ट्रिक वाहनों को तैयार करने में जोर दे रही हैं। क्योंकि अगर प्राकृतिक तेल खत्म हो जाएगा तो इंसान को ना तो पेट्रोल मिलेगा और ना ही डीजल, यहाँ तक कि हमारे खाने के भी लाले पड़ जाएंगे, क्योंकि एलपीजी गैस को भी पेट्रोलियम तत्वों से ही बनाया जाता है। आप में से बहुत से लोगों को लगता होगा कि पेट्रोलियम तो प्राकृतिक रूप से प्राप्त हो जाता है, फिर कंपनियां पेट्रोल और डीजल बनाने का काम क्यों करती हैं? आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जमीन या समुद्र के अंदर से प्राप्त होने वाले पेट्रोलियम को सीधा इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है, क्योंकि यह शुरुआती समय में कीचड़ की तरह दिखाई देता है। ऐसे में कीचड़ के रूप में जमीन से निकलने वाले पेट्रोलियम को फिल्टर करके विभिन्न लिक्विड तैयार किए जाते हैं, जो एक लंबी प्रक्रिया होती है। लेकिन उसे जानने से पहले आप ये जान लीजिए कि धरती के अंदर प्राकृतिक तेल किस तरह से निर्मित हुआ था। दरअसल आज से 6.6 करोड़ साल पहले धरती से एक विशाल आकार का उल्कापिंड टकराया था, जिसकी वजह से पृथ्वी पर मौजूद डायनासोर समेत जानवरों की विभिन्न प्रजातियों का नामोनिशान मिट गया था। इस महाविनाश में पृथ्वी पर रहने वाले 75% से ज्यादा जीव जंतु, पेड़ पौधे और वनस्पति पूरी तरह से तबाह हो गए थे, जिनके मृत शव जमीन और समुद्र के अंदर दब गए। ऐसे में सालों साल तक जमीन और पानी के अंदर रहने की वजह से यह मृत शव दबाव और गर्मी की वजह से सड़ने लगे और पेट्रोलियम पदार्थों में तब्दील हो गए, जिन्हें हम इंसान प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। आज इन्हीं तत्वों को समुद्र और जमीन से खुदाई करके बाहर निकाला जाता है, जिसके बाद उसे पेट्रोल और डीजल में तब्दील किया जाता है। इसके लिए सबसे पहले बड़ी बड़ी खुदाई वाली मशीनों से जमीन या समुद्र के अंदर गहरी खुदाई की जाती है, जिसके बाद उस गड्ढे से पेट्रोलियम को बाहर निकाला जाता है। उस समय पेट्रोलियम हल्का काला या भूरे रंग का होता है, जो काफी गाढ़ा होता है और कीचड़ की तरह दिखाई देता है। इसके बाद उस कच्चे तेल को साफ करके कारखानों या फैक्ट्रियों तक लाया जाता है, जबकि कुछ फैक्ट्रियां खुदाई वाली जगह के आसपास ही मौजूद होती हैं, और उन्हें पेट्रोल रिफाइनरीज के नाम से जाना जाता है। इन पेट्रोल रिफाइनरीज में बड़े बड़े बेलनाकार के बर्तन यानी मशीनें होती हैं, जिनके अंदर कई लीटर कच्चे तेल को डाल दिया जाता है। इसके बाद उस तेल को अच्छी तरह से गर्म किया जाता है, जिसमें हीटिंग तापमान सेट होता है। इसके बाद गर्म तेल को अलग अलग पाइपलाइनों से बाहर निकाला जाता है, जिनका एक निश्चित तापमान होता है। जब कच्चे तेल को 260 डिग्री सेल्सियस के तापमान में उबाला जाता है तो उससे हमें डीजल मिलता है, जबकि 180 डिग्री सेल्सियस पर कच्चा तेल उबालने पर केरोसिन यानी मिट्टी का तेल तैयार होता है। वहीं कच्चे तेल को 110 डिग्री सेल्सियस उबालने पर पेट्रोल मिलता है। इस तरह फैक्ट्रियों में कच्चे तेल को अलग अलग तापमान पर उबाला जाता है, जिसकी वजह से हमें एक ही पेट्रोलियम से अलग अलग चीजें प्राप्त हो जाती हैं। आपको बता दें कि पेट्रोलियम को विभिन्न तापमान पर उबालने से उसकी बनावट और गुणवत्ता में बदलाव आता है और वह वेपराइज्ड होकर विभिन्न तेलों का निर्माण करता है। पेट्रोल, डीजल और केरोसिन तैयार होने के बाद बचे हुए पेट्रोलियम वेस्ट से मोम, ग्लिसरीन, वैसलीन, डामर और पैराफिन वैक्स तैयार की जाती है, जिन्हें हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं। कच्चे तेल से निर्मित पेट्रोल और डीजल को फैक्ट्री से अलग अलग जगहों पर मौजूद टेस्टिंग लैब तक ट्रांसपोर्ट किया जाता है, जहां इनकी गुणवत्ता की जांच की जाती है। अगर पेट्रोल और डीजल में कोई कमी नहीं होती है तो उसे आगे पेट्रोल पंप तक भेज दिया जाता है, जबकि किसी प्रकार की खराबी या परेशानी आने पर पेट्रोल और डीजल को दोबारा से उबालने के लिए फैक्ट्री भेज दिया जाता है। इस तरह यह ज्वलनशील तत्व जमीन या समुद्र के अंदर से पेट्रोल पंप और फिर हमारी गाड़ियों की टैंक तक पहुंचता है, जिसे बहुत ही सावधानी के साथ
तैयार किया जाता है। आपको बता दें कि इस पूरी दुनिया में पेट्रोलियम कुछ चुनिंदा देशों में ही पाया जाता है, जिसमें अरब देशों का नाम सबसे ऊपर है। अरब देशों में पेट्रोल के कुएं मौजूद हैं, जहां हजारों मजदूर काम करते हैं और पेट्रोल व डीजल का निर्माण करते हैं। फिर इसी पेट्रोल और डीजल को विभिन्न देशों को ऊंचे दामों पर बेच दिया जाता है, जिसमें भारत का नाम भी शामिल है। भारत में प्राकृतिक तेल के कुएं नहीं हैं, जिसकी वजह से यहां पेट्रोल और डीजल समेत एलपीजी गैस के दाम बहुत ज्यादा हैं। वहीं अमेरिका और रूस के पास कच्चे तेल का थोड़ा सा भंडार है, जिसकी वजह से उन्हें पेट्रोल या डीजल के लिए अरब देशों पर निर्भर नहीं रहना पड़ता है। पेट्रोल और डीजल ऐसी चीजें हैं जिन्हें रिसाइकल करके दोबारा से नहीं बनाया जा सकता है। यही वजह है कि दुनिया भर में इसकी मांग बढ़ रही है, जबकि उत्पादन तेजी से कम हो रहा है। ऐसे में जिस दिन पृथ्वी पर मौजूद प्राकृतिक तेल का भंडार खत्म हो जाएगा, उस दिन से पृथ्वी पर इलेक्ट्रिक गाड़ियां दिखाई देने लगेंगी। अगर आप अपने भविष्य को सुरक्षित रखना चाहते हैं, तो कम दूरी के लिए वाहनों का इस्तेमाल करने के बजाय पैदल चलना शुरू कर दीजिए। इससे आपकी सेहत भी अच्छी रहेगी और प्राकृतिक तेल की फिजूल खर्ची भी नहीं होगी। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। जय हिंद दोस्तों।